बहुत बढ़िया। क्या कोई प्रोसीजर है उसका, या ऐसे ही गए वोट देने के लिए और वोट दे लोगे? क्या होगा फिर? हाँ, वोटर आईडी बनाना होगा। ये कैसे बनेगा ये पता है आपको? यस सर। कैसे? हाँ ठीक है, बोलो बोलो। जिसका 18 साल पूरा हो जाएगा सर, जैसे मेरा 18 साल हो गया है तो हम जो आंगनबाड़ी घुमाए मैं उनका देंगे आधार कार्ड का फोटो कॉपी, दो फोटो देंगे, वोटर आईडी कार्ड मेरे पास, वोटर आईडी कार्ड बनवा बना के मेरे देंगे तब हम वोट देने का अधिकार। बहुत बढ़िया, ताली। जानते हो कभी कुछ चीजें जब समय पे की जाती है ना तो अच्छा लगता है। ताली अब बजना चाहिए था, जो लोग पहले बजा लेते हो यार, ध्यान देना आगे से। अच्छा ये एक चीज था, बहुत बढ़िया बताई। एक और तरीका भी है क्या, कोई बता पाएंगे आप? सर एक टीचर होंगे जो पीछे चल जाएंगे। देखो यार आप लोग 12th के हो ना, 11th के हो, आप शांत रहोगे आवाज जाएगा। देख एकदम आवाज जाने वाला है यार वहां तक। जो बातें करनी है ना हमसे कर लो ना, 5 मिनट फिर आपस में करते रहना, कोई दिक्कत? क्या और कोई तरीका है बताई? बहुत बढ़िया बताई। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम लीला कुमार। लीला, अच्छा बताई, बहुत बढ़िया। क्या और कोई बता सकते हो कैसे बन सकता है ये? नहीं तो मैं बताता हूं। एक तो बताए लीला, अच्छा बताए कि आपका जो जहां पर लोग आप लोग वोटिंग करते हो, आप लोग तो करे नहीं लेकिन आपके माँ बाप आपके अगल बगल वाले लोग करे होंगे ना, तो जहां पर वोट करते हैं उसको बूथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या फिर पोलिंग स्टेशन या मतदान केंद्र हिंदी में, ठीक ना। वहां पर एक BLO होते हैं अपॉइंट, क्या होते हैं? हाँ, बूथ लेवल ऑफिसर। वो आंगनबाड़ी सेविका हो सकती है जो लीला के पास है, या फिर शिक्षक हो सकते हैं वही के, ठीक ना। तो वो BLO के पास आप अपना डॉक्यूमेंट दो, वो आपका फॉर्म 6 भरेंगे। कौन सा फॉर्म भरेंगे? फॉर्म 6, फॉर्म 6 प्रपत्र, अच्छा वो भर के जमा कर देंगे, आपका वोटर आईडी बन के आपके घर बाई पोस्ट आ जाएगा। बाई पोस्ट समझते हो ना, डाक घर वाला पहुंचा देगा आपके घर पे कि लोग बाबू तुम्हारा बन गया वोटर आईडी, क्लियर ना। तो ये करना होगा आपको BLO के पास, एक तरीका। लेकिन अब क्या है ना, आज के दौर में लोग जाना चाहता है कहीं कोरिया हो गए हो ना, यही ना। तो सबके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, घर में तो है। आप यार उस स्मार्टफोन का यूज करके ना घर में ही बना सकते हो। क्या कर सकते हो? उस स्मार्टफोन का यूज करो स्मार्टली तरीके से, और खुद का वोटर आईडी घर में ही बनवा लो। क्या करना होगा? एक बाबू ऐप है बता दे रहे हैं, सुन लो। ऐप का नाम है वोटर हेल्पलाइन, वोटर हेल्पलाइन ऐप। प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाओगे वहां पर वोटर हेल्पलाइन ऐप लिखोगे तो लिंक दिया गया है ना, उसे इंस्टॉल कर लोगे, क्लियर? यस। अगर किसी का नाम जोड़ना है जब आपका 18 साल हो जाए आप अपना नाम जोड़ लेना, या अगल बगल रिश्तेदार का भी करना है तो आप उसमें क्या करोगे? फॉर्म 6 भरोगे। क्या करोगे? फॉर्म 6 भरेंगे। बाबू ब्रेक सर, ये खड़े हो जाओ यार, एक बार हम चेक करना, बस आपस दो सर, वो बगल वाले हैं तो ये तो बता रहे वही पूछेंगे। या तो यार सुन लो मेरा, या हम पूछते वो बता दो, एक काम कर लो यार, क्योंकि आए तो कुछ बता कर जाएंगे, हम पूछेंगे क्वेश्चन बीच में, ठीक ना। क्या बता रहे थे? वोटर हेल्पलाइन ऐप में आप जाओगे और फॉर्म 6 फिल करोगे। क्या करोगे? फॉर्म 6 प्रपत्र 6 फिल करोगे, जो डॉक्यूमेंट मांगेगा आप उसको दे दोगे, ठीक ना। फोटो फोटो रंगीन वाला देना यार, रंगीन वाला, अच्छा क्वालिटी वाला, बिना चश्मे का, बिना टोपी का, ठीक ना। और सेल्फी नहीं चलेगा यहाँ पर, सिंपल पासपोर्ट साइज का डाल दोगे, फिल कर दोगे, आपका ना घर पर बाई पोस्ट पहुंच जाना है। ये तरीका आसान हुआ ना, ये ऑनलाइन तरीका है, लीला बताई वो ऑफलाइन था। दो तरीके हो गए हर चीज के, क्लियर? आप कर लोगे ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार
चले जाते हैं छोड़कर, है ना, दुनिया को छोड़ करना चाहते हुए भी होता है ना ऐसा, तो उनका नाम हटाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उनके लिए कुछ करना होगा, कुछ रिश्तेदार, कुछ अगल बगल वाले पड़ोसी या तो हमारे गांव शहर छोड़कर चले जाते हैं या कभी न चाहते हुए दुनिया छोड़कर भी चले जाते हैं, तो उनका नाम तो हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, हटाओगे ना यार उनका, क्यों नाम रखना फिर, जो बंदा है ही नहीं यहाँ पर। उसके लिए बाबू प्रपत्र 7 होता है, फॉर्म 7 कौन सा होता है, हाँ वो आप फिल कर लेना, बीएलओ के थ्रू करवा देना या अपने से कर लेना, ऐप पर जाकर उनका नाम हटा दिया जाएगा, क्लियर। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो डाटा डाला हुआ है ना उसमें जो एंट्रीज आपकी है वो गलत हो सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाए, आपका नाम गलत हो जाए, आपके पिता का नाम गलत हो जाए, आपका आपका जो एड्रेस है वो गलत हो जाए, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ऐसा, आपने फिल करा वो गलत फिल कर दिया तो गलत बन के आ जाएगा ना, तो सुधार करने का भी तरीका होना चाहिए ना, तो सुधार करने का भी तरीका है यहाँ पर। कैसे करेंगे पता है, 6-7 तो कर लिए, अब क्या करेंगे, 8 करेंगे, चलो ना सीरियल से। तो इस बार क्या करेंगे हम, प्रपत्र 8 भरेंगे, फॉर्म 8 फिल करेंगे, या तो ऑनलाइन उस ऐप से या एक NBSP पोर्टल होता है जी, NBSP.in, बहुत सुंदर है आपके सर लिखे हुए हैं पहले ही, हम आगे चल रहे हैं, NBSP पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, आप इस पर जाओ, यहाँ पर भी सेम चीज आप कर सकते हो, 6 भर सकते हो, 7 भर सकते हो, 8 भर सकते हो, और सारे चीज को कर सकते हो, कोई दिक्कत, कर लोगे ना। इसी चीज के अवेयरनेस के लिए, यही जागरूकता फैलाने के लिए ये कॉन्टेस्ट चला रही है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसी के लिए चला रही है कि आप जागरूक हो जाओ, खुद का बना लेना, अगल बगल का भी बना देना, है ना, और सारा काम खुद से कर लोगे। एक बात और आता है जो सर कहे थे कि एक वोट की कीमत, एक वोट की कीमत है या नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है ना, एक वोट से भी हार जीत हो सकता है कि नहीं। अभी अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, बहुत सारे बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आपके आप सुन रहे होंगे कि पंचायत चुनाव का हल्ला है, को हल्ला है ना इसका, और क्योंकि पंचायत चुनाव में बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम अंतर से मुखिया जीत जाते हैं, हार जाते हैं, संभव है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, तो वहां पर एक वोट का कीमत बढ़ जाएगा या नहीं, एक वोट कम लाएगा वो मुखिया नहीं बना, एक वोट ज्यादा लेगा वो मुखिया बन जाएगा, होगा ऐसा, एक वोट की कीमत है कि नहीं। और आप उस दिन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन आप घर पे रह जाओ, वोट नहीं देने जाओ, तो दिक्कत है, इसलिए आप जब 18 साल के हो जाओ और जब उसके एलिजिबल हो जाओ तो वोट देने जरूर जाओ, पहला। दूसरा, यहाँ पर कितने बच्चे हैं, एक रफ आइडिया मान लेते हैं 100, तो हम 100 लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या, हम 1000 लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पूछो कैसे, यार आपके परिवार वाले तो होंगे ना, आपके अगल बगल तो लोग होंगे, तो जब आपको हम जागरूक कर रहे हैं तो क्या आप उन लोगों को जागरूक नहीं करोगे, तो हम 1 को करे आपने 10 को करा, हम 100 को करे तो आपने कितने को करा, 1000 को करा ना। ऐसे ही चैन बना के लोगों को हम जागरूक करेंगे, उनको करोगे कहेंगे भैया वोट दे लो जाकर, ठीक है, बाद में फिर नहीं कोसना, जो करना है अभी कर लो, क्लियर। तो आप उन लोगों को बोलोगे वोट दो। इसी थीम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये करी है कि एक 5 तरह की कॉन्टेस्ट लाई है, आप उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपको बताया जा चुका है, ठीक है। कौन कौन सा था, क्विज कॉम्पिटिशन, क्विज सारे लोग आज ही कर लेना, क्या करोगे, क्विज आज ही सारे लोग कर लोगे, आज ही क्यों, कल किसने देखा है, हम आज कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, क्वेश्चन के आंसर ही तो करने हैं, क्या करने हैं उसमें, क्वेश्चन के आंसर ही तो करने हैं, आज कर लेंगे। एक आ जाएगा आपके पास ई सर्टिफिकेट, उसको आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कर दो, है ना अच्छी बात, सर देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, तो चलो भाई बंदा जागरूक हो गया। लेकिन बाकी जो स्लोगन है, नारा समझते हो ना, एक दो नारा आप लोग बोल सकते हैं क्या,
बचपन में आधी रोटी खाएंगे स्लोगन है, किसी ने तो लिखा होगा। इस बार आप जो नारा दोगे ना वो पूरा भारत बोलेगा। ये मौका है आपके पास और साथ में प्राइज जीतने का। तो आप ये एक स्लोगन सोच लो, उसको ईमेल कर दो जो राहुल सर ने बताया था उस ईमेल पर जाकर, और अगर आप चुने गए प्राइज तो मिलेगा ही, साथ में पूरे भारत में फेमस हो जाओगे। मौका अच्छा है तो सोच लो। उसके बाद था वीडियो मेकिंग, एक मिनट का वीडियो बना लो यार, डाल दो, सिलेक्ट हुए, प्राइज भी है और पूरे भारत में आप फेमस हो जाओगे, आपका कॉलेज फेमस हो जाएगा यार। क्लियर हो? सॉन्ग है और क्या है, पोस्टर डिजाइनिंग, जो लोग पेंटिंग करते हो गए पोस्टर डिजाइनिंग कर लो, कुछ लोग गाते हैं सॉन्ग बना लो, अपना सॉन्ग बनाना या किसे कॉपी नहीं करना, कर लेना। इसमें टाइम लगेगा, इसको कल परसों कर लेना, लेकिन आज के बीच कर लोगे सबको हर हाल में। क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन और है यार, किस भाषा में करोगे? क्वेश्चन है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना, आप किस भाषा में करोगे सॉन्ग, वीडियो, पोस्टर डिजाइनिंग, स्लोगन राइटिंग? कोई भाषा होना चाहिए। यस सर। कौन सी भाषा में करोगे पूछ लो ना। हाँ पूछ लो, हम बता देते। देखो यार, आप पॉलिटी में पढ़े होगे, संविधान में 8वीं अनुसूची है, संविधान में 8वीं अनुसूची है, उसमें कुछ भाषाएं दर्ज की गई हैं, कुछ भाषाएं दर्ज की गई हैं। क्या आप उनकी संख्या जानते हो? बाबू लोग पीछे यार, संविधान में 8वीं अनुसूची जो है ना, उसमें कुछ भाषाओं का जिक्र है, वो कितनी भाषाएं बस ये बता देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। हाँ 22, बहुत सुंदर, उसके लिए सब ताली बजा दो यार एक बार। ऐसे ही प्रोत्साहित किया जाता है एक दूसरे को, है ना। 22 भाषाओं का जिक्र है, उन्हीं 22 भाषाओं में आप उस पर गाना गा सकते हो, वीडियो कर सकते हो, स्लोगन कर सकते हो उसी 22 में। उसमें आपका एक हिंदी शामिल है, और चूंकि हम लोग हिंदी जानते हैं हिंदी में कर लेंगे। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप लोगों की बारी, क्या कोई क्वेश्चन है आपके मन में जितना हम बताए, या उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो यार बोल दो, उसका आंसर हम कर देंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है तो यार पूछ लो, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे, बता देंगे। कोई क्वेश्चन कर लेंगे इसको हम लोग। तो इस तरह से हमारा जब एक अधिकार मिलने वाला है तो क्या करना है, जब मिलेगा तो अपने अधिकार का प्रयोग करना न छोड़ेंगे। आप जानते हैं एक वोट का क्या महत्व होता है, एक वोट में ही क्या होता है, हार और जीत होता है। एक वोट के चलते एक प्रतिनिधि अगर हार गया तो शायद हो सकता है केंद्र में प्रधानमंत्री भी ना बने, अगर एक सांसद भी, जानते हैं ना, पहले बताए थे तुम लोग कागज में बताए थे कि किसी भी वही प्रधानमंत्री बनते हैं जो बहुमंडल का नेता होते हैं। लेकिन अगर एक भी प्रतिनिधि घट गया तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अगर और एक जो लिख पाएगा एक वोट के लिए भी हार सकता है, इसलिए एक वोट का महत्व क्या बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए अपना अधिकार का उपयोग अवश्य करेंगे। ठीक है, क्या करना है, वोट देना है सबका मूल अधिकार, वोट न देकर क्यों करते हो अपना वोट बेकार। वोट देना है सबका मूल अधिकार, वोट न देकर क्यों करते हो अपना वोट बेकार। छोड़ो अपना काम बहना, छोड़ो अपना काम बहना, वोट देने जाओ बहना, वोट देने जाओ बहना, युग युग में नारा लगाना। क्लैपिंग, चलो ठीक है।